हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास एंड टेस्ट। और आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है? आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेज। हम लोग अब पढ़ रहे हैं क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये तो पढ़ ही रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फ्रॉम प्लेन सरफेसेज। प्लेन सरफेस से हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है। अब देखने जा रहे हैं फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेज। कर्व्ड सरफेसेज से रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है? दैट मींस स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स से। तो सबसे पहला सवाल उठता है, व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो स्फेरिकल मिरर, सबसे पहला सवाल है आपका कि यह स्फेरिकल मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर्स तो समझ गए, अब स्फेरिकल मिरर भी सर आप समझा दीजिए। तो सुनिए, राइट डाउन, ओपन द कॉपी और सभी लोग लिखना शुरू कीजिए। स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर, स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर। अब लिखते लिखते आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद चर्चा करते हैं। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज इज द पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास, हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। ये हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास का पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर। कहने का अर्थ हुआ कि आप लोग जब बच्चे थे तो छोटे छोटे बॉल से खेला करते थे, और वो प्लास्टिक का बॉल से, है ना? उस प्लास्टिक के बॉल को बीच से काट दीजिए, है ना? तो वो आपको क्या करेंगे कि वो जो पार्ट बना, ऐसा ये पार्ट, एक बॉल को हम लोग इस तरह से दो भाग में बांट दिए, ठीक है? तो ये जो पार्ट है, दोनों पार्ट आपका क्या है? स्फेरिकल मिरर है। कब? ये भी दो तरह का होता है, स्फेरिकल मिरर्स जो है वो दो तरह का होता है। तो वो भी जानते हैं कि क्या क्या होता है। तो ये जो हमने क्या किया कि हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास को दो भाग में बांट दिया, है ना, बीच से काट दिया, तो ये जो एक पार्ट हुआ और दूसरा जो ये पार्ट है, दोनों का दोनों जो है वो स्फेरिकल मिरर्स है। और स्फेरिकल मिरर्स भी जो होते हैं, अब ये जो आपका कैसा बॉल है? ग्लास का, प्योर ग्लास बॉल है एकदम, ठीक है, पारदर्शी है। अब उसका क्या कि ये एक अंदर वाला, एक गिलास के अंदर वाले सरफेस को पॉलिश कर दिए। पॉलिश करना तो समझ रहे हैं, अल्मोनियम से पॉलिश कर दिए, ठीक है, और पॉलिश करके और रेड कलर का पेंट चढ़ा दिए, क्लियर? तो रिफ्लेक्ट किधर से होगा? इस साइड से रिफ्लेक्ट होगा, है ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इस पर अप्लीकेबल होगा। दूसरा में हम लोग बाहर से पॉलिश कर दिए, तो इसमें रिफ्लेक्ट कहाँ से होगा? अंदर वाले सतह से रिफ्लेक्ट होगा, है ना, इसमें रिफ्लेक्ट अंदर वाले सतह से होगा। तो दोनों में रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज हम लोग अलग अलग कर देते हैं। तो जो हमारा स्फेरिकल मिरर्स है, इसको दो भाग में बांट दिए। क्या किए? स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, इस आधार पर कि किधर से आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है, उस आधार पर स्फेरिकल मिरर्स को कितने भाग में विभाजित किया गया है? दो भाग में। एक है हमारा कॉनकेव मिरर, एक को कहते हैं क्या? कॉनकेव मिरर्स हो गया, और दूसरा हमारा है कॉन्वेक्स मिरर्स। अब कॉनकेव क्या होता है और कॉन्वेक्स क्या होता है, तो ये तो मैंने अभी आपको बताया, अब उसको एक बार फिर से देख लीजिए। कॉनकेव, सी ए वी ई, केव मीन्स होता है गुफा,
यानी गुफा में प्रवेश करना है ना। केव मीन्स हो गया गुफा, यानी गुफा में प्रवेश करना है। तो ये मिरर कुछ इस तरह से है, जिसका कि पॉलिश सरफेस बाहर है, पॉलिश बाहर किया हुआ है, और रिफ्लेक्टिंग जो होगा वो किधर से होगा, गुफा से, यानी अंदर वाले जगह से। ठीक है, दिस इज ए कॉनकेव मिरर्स, क्लियर। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर हो गया कॉन प्लस वैक्स, मतलब उभार वाला जगह से। ठीक है, वैक्स मतलब हो गया उभार वाला जगह, केव समझ गए, केव मीन्स गुफा, वैक्स मीन्स उभार, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दैट मीन्स अब हम लोग को केव और केव वैक्स में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। वैक्स का मतलब हो गया उभार, यानी कि बाहरी सतह से, अंदरूनी सतह को क्या किया गया, पॉलिश कर दिया गया, और बाहरी सतह से रिफ्लेक्टिंग होना शुरू हुआ। तो दोनों को डिफाइन कर दें, चलिए डिफाइन कर देते हैं। सो सिंपल, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर्स, जितने भी मिरर्स कॉनकेव हैं उनको अब हम लोग डिफाइन कर देते हैं। ए कॉनकेव मिरर इज दैट, कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर, मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट, इन विच द रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट, इन विच द रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट। अब कॉनकेव मिरर हुआ, स्फेरिकल मिरर का वह पार्ट है जहां लाइट का रिफ्लेक्टिंग जो है टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस, टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस, समझ गए। कॉनकेव सरफेस मतलब गुफा से, कॉनकेव सरफेस माने जो मैंने समझाया उसी को क्या कर दिए, लिख दिए वर्ड में। ये हो गया कॉनकेव मिरर। अब हम लोग लिखते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स। अगर कहता है कॉन्वेक्स मिरर्स का डिफाइन करने के लिए, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। सिंपल लिखते हैं, ए कॉन्वेक्स मिरर इज, ए कॉन्वेक्स मिरर, अब सेम वही डिफिनीशन रहेगा, सिर्फ हमारे को डिफिनीशन में क्या चेंजिंग रहेंगे, कॉनकेव सरफेस के जगह पर हम लोग बोल देंगे कॉन्वेक्स सरफेस। सेम ऊपर वाला को नीचे उतार देते हैं, ठीक है, और लास्ट में खाली कॉनकेव के जगह पर कॉन्वेक्स सरफेस बोलेंगे, बस हमारा डिफिनीशन हो गया। एक याद करो, दूसरा याद हो गया, ए कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर। फटाफट सब अब नोट कर लेंगे, है ना, इन विच द रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस, क्लियर। तो ये अब आप लोग को क्लियर हो गया कि कॉनकेव क्या होता है और कॉन्वेक्स क्या होता है। एक डिफिनीशन याद किए और दूसरा डिफिनीशन हमारे को याद हो गया, और इसका डिफिनीशन लिखना बहुत आसान है ना, आप आसानी से लिख डालेंगे। ओके, अब तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में बहुत सारे, इनमें हम लोग को एक नया नया टर्म यहाँ पढ़ना पड़ेगा, तो कुछ न्यू टर्म्स हैं जो कि हमें स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा। वो न्यू टर्म से अब हम लोग को लड़ाई होने जा रहा है, ठीक है। न्यू टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड न्यू टर्म कौन कौन है, तो सबसे पहला टर्म तो हम आप लोगों को बताएंगे, वो बताएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सबसे पहले तो यही पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सेंटर जब पढ़ लेंगे तो रेडियस पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
थर्ड हम लोग अध्ययन करेंगे पोल, फोर्थ फोकस, फिफ्थ प्रिंसिपल एक्सिस। बिना इन टर्म्स के बारे में जाने हुए हम लोग स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। आखिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये देखते हैं। तो मिरर तो दो ही प्रकार के स्टडी करने हैं, कौन कौन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए हमारे दो मिरर हैं, एक है कॉनकेव, है ना। तो ये रहा कॉनकेव मिरर, हाँ ये कॉनकेव नहीं, ये कॉन्वेक्स हो गया, है ना, क्योंकि अंदर वाला जब हम पॉलिश किए तो बाहर से रिफ्लेक्टिंग है, तो ये कॉन्वेक्स हो गया, यह हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। और दूसरा एक मिरर और ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ क्या है, हमारा जो पॉलिशिंग सरफेस जो है वो अंदर वाला है, तो ये हो गया हमारा कॉनकेव, पॉलिश बाहर से कर दिए और अंदर से रिफ्लेक्टिंग होने लगा तो वो हो गया कॉनकेव। और जितने भी सर्किल होते हैं, अब ये क्या है, एक सर्किल का पार्ट है, अगर इसे हम लोग ऐसे ऐसे बढ़ा दें तो ये क्या है, एक सर्किल का पार्ट है, यह भी एक सर्किल का पार्ट है ना, बीच से काटा हुआ या कहीं से काट करके एक पार्ट है। तो ये सिर्फ एक पार्ट है, तो इसका मतलब कहीं इसका एक तो सेंटर होगा ना, और इसका भी सेंटर होगा, दोनों का सेंटर होगा, क्लियर। तो ये जो सेंटर केंद्र बिंदु होता है किसी भी सर्किल का, वही होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, यही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और इसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं, किस चीज से, सी से, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर का शॉर्टकट है सी, इसे सी से डिनोट किया जाता है। और इसको हम लोग डिफाइन करके लिख सकते हैं, द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो, सेंटर ऑफ द हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट, उस हॉलो ग्लास का जिसका कि यह पार्ट है ना, मिरर इज अ पार्ट, क्लियर। सिंपल डिफिनीशन है, इसी से निकल गया हमारे को कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिस हॉलो स्फेयर का, ये क्या है, हॉलो स्फेयर, और इसी हॉलो स्फेयर का यह एक पार्ट है, ये आपका रहा हॉलो स्फेयर, है ना, और इसी हॉलो स्फेयर का ये कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर क्या है, पार्ट है। और उसका जो सेंटर होता है उस हॉलो का, हॉलो स्फेयर का, वही होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से। और अगर कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप देखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो कहाँ होता है, कॉन्वेक्स मिरर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है कॉन्वेक्स मिरर में वो होता है ठीक इसके जो गोला का जो पार्ट है उसी में होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर में। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर हमारे को रिफ्लेक्ट हो रहा है इस साइड से, है ना, रिफ्लेक्ट जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं साइड वन से हो रहा है, रे पड़ा और हुआ, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है, सेकंड साइड में है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कन्वेक्स मिरर में है वो आपको रिफ्लेक्टिंग साइड के पीछे है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग साइड, है ना। और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर जो होता है, और कॉनकेव मिरर में आपको देखिए इसी साइड से रिफ्लेक्ट हुआ,
तो वो क्या है, इन फ्रंट में है ना, फ्रंट में यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ क्या है, इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग साइड, रिफ्लेक्टिंग साइड के फ्रंट में, और यहां क्या है कॉनकेव मिरर में, बैक ऑफ रिफ्लेक्टिंग साइड, ये अंतर है ना, बाकी कोई अंतर तो नहीं है, क्लियर? तो ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगला टर्म है हम लोग का पोल, POLE पोल। अब पोल देखते हैं क्या होता है, तो मिरर तो आप लोग जान रहे हैं कि दो तरह का मिरर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, है ना, और मिरर में आप लोग ये जान गए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं पोल कि पोल क्या होता है। तो ये जो मिरर है ये ए बी मिरर है, और इस मिरर का नाम रख दिए MN मिरर। अब ए बी मिरर जो है इसका रिफ्लेक्टिंग साइड आप देख रहे हैं कि कौन सा है, बाहर वाला है ना, तो ये तो हम समझ गए कि ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है, और इसका रिफ्लेक्टिंग साइड आप देख रहे हैं अंदर वाला है, तो ये भी आप समझ गए कि ये जो मिरर है हमारा कॉनकेव मिरर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो सेंटर ऑफ द हॉलो स्फेयर, ये भी आप जानते हैं, क्लियर? तो ये सब चीजें तो आपको मालूम है, जिसको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से कहते हैं। अब ये ए बी जो ये आपका मिरर है, इसको अगर इंच और फीता से नापे तो इसकी लंबाई एक नपाएगी, है ना, और इसका ठीक जो सेंटर वाला जो पॉइंट होगा ना, बीच वाला जो पॉइंट है ना, इसका ठीक बीचों बीच जहां से इसको दो बराबर भागों में काट सके, दैट मिडिल पॉइंट इज पोल, उसी को पोल कहते हैं, क्लियर? अब ये MN का जो मिडिल पॉइंट है जहां से इसको हम दो भाग में काट सकें, वो मिडिल पॉइंट जिसको कि P से डिनोट करेंगे वो पोल है, क्लियर? पोल क्या होता है ये समझ में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है वो समझ में आ गया, है ना। तो पोल को हम लिख सकते हैं द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, पोल क्या है, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर है ना, इज कॉल्ड इट्स पोल, उसी को उसका पोल कहते हैं, इज कॉल्ड इट्स पोल, यानी कहने का अर्थ हो गया कि पोल क्या है, मिडिल पार्ट है, यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं मिडिल पार्ट ऑफ, मिडिल मिडिल पार्ट ऑफ मिरर, मिरर का एकदम मध्य बिंदु जो होता है वही पोल होता है, और पोल जो होता है वो क्या है, स्फेरिकल मिरर का एक पर ही स्थित होता है, पोल लाइज ऑन स्फेरिकल मिरर, ये भी सही बात है कि पोल जो होता है वो स्फेरिकल मिरर पर ही होता है, ये क्लियर हो गया स्फेरिकल मिरर। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी क्या होता है मिरर पर, नहीं ना, ये मिरर के बाहर एक इमेजिनरी पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है ना, उसे हम लोग पूरा सर्किल ड्रॉ कर करके और उसको बीच का बिंदु निकाल सकते हैं, क्लियर? तो आपने देखा पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो थर्ड टर्म जो हम लोग पढ़ेंगे वो इन दोनों से संबंधित, और वो होगा प्रिंसिपल एक्सिस, आपके स्कूल के प्रिंसिपल साहब है ना, उनको जरा देख ले उनका काम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल, ठीक है, सही है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये हम लोग स्टडी करते हैं, हम अपने स्कूल के प्रिंसिपल साहब को, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस का काम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस का काम है कि गुरु और शिष्य को जोड़ना, गुरु और शिष्य के बीच की मध्य लाइन को ही हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल, है ना, और वही हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो
तो चलिए दोनों मिरर मैं खींच देता हूँ। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप हंसिएगा नहीं, आप लोग अच्छा ड्राइंग बनाइएगा, ठीक है? तो ये हमने मिरर ड्रॉ कर दिया, ठीक है? इस पर पोल दिखाना है, तो ये पोल दिखाया, ये हमारा कॉन्वेक्स, और कॉनकेव पर भी पोल दिखा दिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी दिखा दूं दोनों को, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी दिखा दिया। अब एक को मान लो गुरुजी है, एक को मान लो टीचर। पोल हमारा गुरुजी है और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा टीचर है, ठीक है? सॉरी, एक गुरुजी और एक स्टूडेंट है। अब इन दोनों को जो जोड़ता है वो है लाइन, इन दोनों को जो लाइन जोड़ दे, पोल और कर्वेचर को जोड़ते हुए जो लाइन गुजर जाए, है ना, एक ऐसी लाइन जो इन दोनों से गुजरेगी, और एक ही लाइन गुजरेगी, दूसरा कोई लाइन नहीं गुजरेगी जो कि पोल और कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़े, तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यही लाइन हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर? ये जो है, देखिए इसको जोड़ेंगे, है ना, जो लाइन सी और पी को काटते हुए निकल जाएगी वो लाइन ही कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो डिफाइन कर दे इसको, द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द इट्स कॉल्ड इट्स क्या कहलाता है वो? प्रिंसिपल एक्सिस। उसी को, उस मिरर का, उस स्पेसिफिक मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल तो एक स्कूल के होते हैं ना, हर स्कूल के अलग अलग प्रिंसिपल होते हैं, तो उस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस वो कहलाता है। तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल एक्सिस पता चल गया कौन है। तो अगर हम इसको एक्स वाई लाइन से शो करें तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा, है ना, इस मिरर में। अगर इसको हम लोग ए बी से जोड़ दे शो करें तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा इस मिरर में। क्लियर है? तो प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो आपका इस मिरर पर नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। प्रिंसिपल एक्सिस जो ये एंगल बनाता है ना, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, नॉर्मल होता है। कितने का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल यहां बन रहा है। क्लियर? यानी ये जो है वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल है। क्लियर? जिस तरह से हम लोग प्लेन मिरर में पढ़ते थे नॉर्मल, उसी तरह से यहां नॉर्मल जो है वो कौन होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है हम लोग को पढ़ना, वो मैं आप लोग को बताता हूँ, एपरेचर ऑफ द मिरर। क्या? एपरेचर, हड़बड़ाइए नहीं, बड़ा दिखने में बहुत बड़ा बड़ा लिखा गया, लेकिन समझा दूंगा ऐसा कि दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार में ही पूरा याद। एपरेचर ऑफ द मिरर, अब ये एपरेचर क्या होता है? एपरेचर है ना, तो मिरर तो जान ही रहे हैं कि दो तरह का तो पढ़ना ही है। तो चलिए दोनों मिरर को हम लोग आराम से ड्रॉ कर लिए। अब देखें जितना कलम चला उतना ही अपरेचर है। अपरेचर होता है क्या? रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द मिरर, जहां से रिफ्लेक्ट हो जाए। ये पूरा का पूरा जो मिरर है ना, ये पूरा जो मिरर आप देख रहे हैं ना, यही अपरेचर है। दिस इज अपरेचर, ये अपरेचर है पूरा। अगर हम कहते हैं कि ये जो मिरर है, ये हमारा इस मिरर की जो लंबाई है ये 25 सेंटीमीटर है, और इस मिरर की जो लंबाई है टोटल रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर है,
तो दिस इज अपरेचर, यही हमारा अपरेचर है। क्लियर? यानी कितना लंबा है वो बताता है अपरेचर ऑफ द मिरर। सो सिंपल, क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग डेफिनेशन में लिख देते हैं। दैट पोर्शन ऑफ ए मिरर, दैट पोर्शन ऑफ ए मिरर, मिरर का वह पोर्शन, अगल बगल में लकड़ी उकड़ी लगा हुआ उसको नहीं जोड़ेंगे, है ना। दैट पोर्शन ऑफ ए मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस, वास्तव में जहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, एक्चुअली टेक्स प्लेस जहां से भी होगा, वो सारा का सारा जगह क्या कहलाएगा? अपरेचर इज कॉल्ड द अपरेचर ऑफ द मिरर। उसे ही हम लोग कहते हैं क्या? अपरेचर ऑफ द मिरर। क्लियर? अब अपरेचर ऑफ द मिरर का भी डिफिनेशन आप लिख दीजिएगा, और क्या होता है अपरेचर यह भी अब आपको समझ में आ गया है ना। अपरेचर ऑफ मिरर जो होता है वह आपको मिरर का साइज रिप्रेजेंट करता है, यह बताता है साइज ऑफ मिरर। व्हाट इज द साइज ऑफ मिरर? तो साइज ऑफ मिरर इज अपरेचर ऑफ मिरर। सिंपल, साइज ऑफ मिरर इज अपरेचर ऑफ मिरर, यही बताता है ना। जैसे मैंने बताया 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, साइज ऑफ मिरर ही अपरेचर ऑफ मिरर है। और अपरेचर ऑफ मिरर जो है वो बताता है क्या? डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दूसरा चीज इसको कह सकते हैं कि ये क्या है? डायमीटर ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, डायमीटर ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर है वो क्या है? अपरेचर। तो अपरेचर को कई तरह से बोल सकते हैं, अपरेचर इज साइज ऑफ मिरर या डायमीटर ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, तो 2 मिनट के ब्रेक के बाद कुछ और टर्म पढ़ेंगे। थैंक यू।